बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने सातवीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिया है, लेकिन राजद और कांग्रेस महागठबंधन के लोगों ने इस शपथ ग्रहण समारोह को निगलेक्ट किया है, उसका विरोध किया है और मनोनयन की बात कही है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश कुमार का भाजपा ने मनोनयन किया है। और एक बात और जानने की है, अमेरिका में चुनाव हो गया है, रिजल्ट घोषित हो गए हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप मान नहीं रहे हैं, कुछ चुनाव में हारे हैं। इसी तरीके से महागठबंधन बिहार में अपनी हार नहीं मान रहा है। आज बिहार में नेता जो हैं प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी किया है। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे वोटिंग हो रही है और वहाँ पर बीजेपी का नाम लिया जा रहा है। वो वीडियो किसका है, वीडियो किसने जारी किया है और वीडियो कहाँ बना है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आज आपको मैं वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसमें वोटिंग हो रही है और वोटिंग के दौरान एक अधिकारी बार बार वोटिंग के जगह जा रहा है, जहाँ मतदाता आ रहे हैं वहाँ पर जा रहा है। इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है, यह बात तो समझ में नहीं आ रही है। लेकिन राजद बताना चाहती है कि यह जो है एक बवाल है, एक इसी तरीके से गड़बड़ी बिहार में की जाने की तैयारी है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये वीडियो अब आया है तो आज आपको पोल टॉक पर ये वीडियो दिखाना भी ज़रूरी है। लेकिन वह तेजस्वी यादव इस वीडियो को जारी करने के बाद लिखे हैं राजद के राष्ट्रीय जनता दल के ट्विटर अकाउंट पर, लेकिन उसके पहले देखिए कि वीडियो में क्या हो रहा है। तेरी कंप्लेंट पहुंच गई। तो दोस्तों देखा आपने कि इस वीडियो में कैसे वोटिंग हो रही है, क्या क्या हो रहा है। वहां पर अधिकारी भी मौजूद है, मतदाता आ रहा है, वोट कर रहा है और वहां पर एक अधिकारी बार बार जा रहा है। तो अभी चीज़ें साफ नहीं हो पाई हैं, या आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, क्योंकि जो इस बार हार जीत का मामला रहा है वो बहुत ही निकट रहा है और एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की सरकार बन चुकी थी। तो इसी सारी चीज़ों को लेकर के सब हो रहा है, लेकिन पोल टॉक पर लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।